यूपी के बरेली में समाजवादी पार्टी के मासिक बैठक पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज की बैठक में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने कश्यप समाज के वोटों में बड़ी सेंधमारी की। बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्र के कश्यप समाज के लोग, महिला पुरुष आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पार्टी के कार्यालय आए, जहां सभी सम्मानित नेताओं के साथ शिवचरण कश्यप ने उनका स्वागत किया और उन्हें पार्टी में शामिल किया। इसके अतिरिक्त पार्टी ने लखनऊ से आए प्रपत्र नगर निकाय नगर निगम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। दूसरी बिंदु जो झूठे मुकदमे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हो रहे हैं, उनकी जिलेवार सूची प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए जिले के सभी नगर निकाय नगर निगम ब्लॉक विधानसभावार झूठे मुकदमों की सूची मांगी गई। मासिक बैठक को संबोधित करते हुए सपा जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने कहा कि कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी के संदेश जनता को बताएं एवं सत्ता पक्ष द्वारा की गई गलतियों और झूठे जुगले वादों को जनता के सामने रखें। जनता भाजपा के झूठे जुगले से तंग आ चुकी है और समाजवादी पार्टी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। जनता गैस, बिजली, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते हुए दामों से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है, हौसला नहीं, और आने वाले नगर निकाय नगर निगम चुनाव में जनता भाजपा को वोट की चोट से हरा कर उनके झूठे जुगले का सबक सिखाने का कार्य करेगी। मीटिंग हर माह होती है, उसी उपलक्ष्य में महीने के पहले शनिवार पर मीटिंग चल रही है। जैसा कि प्रदेश कार्यालय से निर्देश हुआ है, आरक्षण पे ध्यान रखा जाए, किस नगर निगम में, नगर पंचायत में, सभासदी में रैपिड सर्वे के आधार पे आरक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उस पर आपत्ति दाखिल की जाए। दूसरा, संगठन को बहुत मेहनत के साथ हर विधानसभा में लगा रखा है। संगठन बहुत मेहनत के साथ अपना काम कर भी रहा है। हमारे हर विधानसभा में उपाध्यक्ष और उनके साथ जिला सचिव दो दो लगे हुए हैं, जाके नगर पंचायतों में, नगर परिषदों में हर जगह मीटिंग कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, बूथ कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं। और प्रत्याशियों में भी नई ऊर्जा के साथ आदरणीय अखिलेश जी ने जो जो काम कर रहे हैं वो बताने का सब काम कर रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।